ना तूफान ना सुनामी और ना किसी भी तरह का समस्या, तो फिर क्यों गिर गया गंगा नदी में बिहार का बनने वाला ये ओवरब्रिज? फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहले तूफान ने गिराया, अब गंगा ने गिराया। 7 डेडलाइन में बिहार के 1717 करोड़ के कागजी पुल की कहानी, करप्शन के पुल की गंगा में जल समाधि। हाँ जी, मैं बिहार का ही डिस्कशन कर रहा हूं, जो कि बिहार में जो ओवरब्रिज बन रहे थे वो गंगा नदी में गिर चुके हैं। ये 1717 करोड़ की, जो कि हमारे भारत देश के संसद, जो नए संसद का निर्माण हुआ है, उससे भी अधिक लागत की ये पुल थी, जो कि बिना निर्माण हुए, मतलब ये बिना ओपनिंग हुए और बिना लोगों पब्लिक उस पर सेवा भी नहीं दी, और ये गंगा नदी में इसकी समाधि हो गई। तो इसका जिम्मेवार कौन है? तो एक करप्शन के पुल जो कि गंगा नदी में समाधि ले ली, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया, 1717 करोड़ जो कि बिहार का इतना नुकसान हुआ, तो इसका कौन जिम्मेवार है? ये पैसा यदि बिहार सरकार गरीबों में लगाती, शिक्षा पे लगाती, बेरोजगारी पे लगाती, तो आज 1717 करोड़ एक मायने रहता है, और बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार भी मिल सकते थे। शिक्षा में दी लगाती, स्कूल भवन बनाने में, एजुकेशन के सुधार में, तो वहां पे भी काफी प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन चूंकि ये पुल जो बिहार के भागलपुर में रविवार को 1717 करोड़ की लागत से बना पुल रेत की तरह गंगा में बह गया, पूरा देश इस पुल के बहने का वीडियो देख दंग रह गया। 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन 9 साल में ये पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया, और स्टार्ट होने के पहले चौंकाने वाली बात यह है कि ये कागजी पुल दूसरी बार गंगा में गिरा। इससे पहले पिछले 30 अप्रैल को भी इस निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था, तब कहा गया था कि तूफान की वजह से ब्रिज का हिस्सा गिरा, लेकिन इस बार तो कोई ही आंधी नहीं, तूफान नहीं, कुछ नहीं। आखिर क्या रीजन है कि ये पुल इतनी कमजोर हो गई है? इसे तो जांच टीम बनाई गई है, जांच को मतलब बैठाया गया है कि क्या रीजन है कि ये पुल 2 बार ढह गई। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 7 घंटे पहले, ओवरब्रिज गिरने के 7 घंटे पहले, उसके कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी उस ओवरब्रिज को छोड़ करके चल गए थे, वहां से निकल चुके थे। मैं बता दूं कि खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने का ये काम, ये सिलसिला चालू था। 90 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर रह जाएगी, ये गवर्नमेंट का प्लान था, और जो कि ये 2 किलोमीटर तक इसकी आवाजें, जब गंगा में उठी ऊंची लहरें, जब ये गंगा नदी में ओवरब्रिज गिरा तो 2 किलोमीटर तक आवाज आई गंगा में उठी ऊंची लहरें। 1700 करोड़ की लागत वाले इस पुल का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। रविवार को पुल का करीब 200 मीटर हिस्सा नदी में गिर गया। पुल के 3 पिलर समेत इनके ऊपर बना कंस्ट्रक्शन गंगा में समा गया। सारे लोग जो वहां पे देखे, ब्रिज गिरने के करीब 2 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज आई। इतना नहीं, नहीं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फुट ऊंची लहरें भी आई। गंगा में करीब 500 मीटर मलबा बिखर गया। पुल गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है, न्यूज पे वायरल है। तो फ्रेंड्स, ये तो ओवरब्रिज बनी नहीं, और सरकार का जो है 1700 करोड़ रुपए का मतलब ये घाटा भी हो गया, और यही ये पैसे यदि गवर्नमेंट शिक्षा में लगाती, बेरोजगारी में लगाती तो काफी अच्छा होता, लेकिन लेकिन रिजल्ट आपके सामने है।